उदयपुर में एक थाईलैंड निवासी युवती को गोली मारने के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कुछ लोग एक कार से उदयपुर के एक निजी हॉस्पिटल के बाहर आते हैं और घायल महिला को स्ट्रेचर पर सुलाकर अस्पताल कर्मचारियों को सौंपते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इस वीडियो के बाद अब पुलिस कार के नंबर के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। वीडियो सुबह 4:15 बजे का है, जिसमें कार में सवार पीछे वाली सीट पर बैठा एक युवक युवती को कार से बाहर निकालकर स्ट्रेचर पर उसे लिटाता है और एक दूसरा युवक अगली फाटक पर खड़ा है। ड्राइव करने वाला शख्स कार के अंदर ही दोनों युवकों का इंतजार करता है और फिर ये सभी लोग भाग जाते हैं। गौरतलब है कि आज सुबह उदयपुर में पुलिस ने बताया था कि एक युवती गंभीर हालत में अस्पताल में पाई गई थी। पहले वह प्राइवेट अस्पताल में थी, फिर सरकारी में उसे भेजा गया। देखना यह है कि ये मामला क्या है, इसके खुलासे में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। क्या नाम, आईडी भेज दो मुझे। कितनी बजे आएगी? 8:05 बजे। ब्लैक चेक वाली? हाँ, ब्लैक टी शर्ट वाली। ये लड़की होनी चाहिए, ब्लैक वाली। ब्लैक वाली है, ब्लैक वाली है। वो तो अभी आप सेवन मिल गई होगी। सिक्स थ्री। नाम क्या इसका? नाम लड़की, यही लड़की थी। मुझे व्हाट्सएप करो दूसरा एक ही पेज है। ज्यादा मत करना फालतू।